क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि पहले 10 प्राइम नंबर का जो है अपन को वो डेटा निकालना है। हाँ सॉरी, मतलब गड़बड़ बोल दी मैंने, सॉरी। अपन को पहले 10 प्राइम नंबर का मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका कि पहले तो अपन जो शुरू के 10 प्राइम नंबर है उनको लिख लो। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 1। दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 3। अच्छा सॉरी सॉरी, प्राइम नंबर ये तो और लिखते हैं। पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3, फिर है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर क्या आएगा 19, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर 23 और फिर आएगा 27। तो ये है अपने फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब अपन को क्या इनका मीडियन निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ पे एन जो है वो 10 है, तो अपन को मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए अपन को सबसे पहले तो एन बाय टूथ फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर एन बाय टूथ प्लस वन फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और उनका एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन बाय टू कौन सा हो जाएगा? 10/2, दैट इज फिफ्थ फ्रिक्वेंसी। फिफ्थ फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, पांचवी है। और एन बाय टू प्लस वन मतलब फिफ्थ प्लस वन क्या हो जाएगा? सिक्स्थ। सिक्स्थ कौन सी है? 13। तो अपना मीडियन क्या हो जाएगा? अपना मीडियन हो जाएगा एन बाय टू ऑब्जर्वेशन के 11 लिख देंगे, एन बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन के 13 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय टू। तो 13 प्लस क्या 11 होता है अपना 24, डिवाइडेड बाय टू, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? हमारा मीडियन हो जाएगा 12।